तो ये रहा हमारा 12 मॉडल का बोर्ड। तो इसके अंदर हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो देखिए इसके अंदर सारे स्विच लगे हुए हैं, तो हमें एक लाइट और एक फ़ैन का कनेक्शन इन्वर्टर के अंदर करना है। बाकी इसके अंदर मेन सप्लाई जुड़ी हुई है और ये हमारा एक इन्वर्टर का वायर आया हुआ है। तो अभी इसका कनेक्शन हमने नहीं किया है, तो हम फिटिंग कर रहे हैं, तो फिटिंग के साथ ही हमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना है। तो अभी हमारा इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो देखिए हम इसके अंदर हमें कनेक्शन करना है। तो देखिए ये फ़ैन है, फ़ैन का कनेक्शन और एक लाइट का कनेक्शन करना है। देखिए लाइट ऑन हो गई इस स्विच से, तो इस वाली लाइट का हमें कनेक्शन करना है इन्वर्टर के अंदर। देखिए तो इस लाइट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर के अंदर करना है। तो चलिए हम इसका इन्वर्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर सेलेक्ट करें। तो देखिए ये जो हमारा मेन लाइन का वायर है, ये बीच में इस वायर को हमें यहाँ से हटाना है। तो ये मेन लाइन से मैं इसको अलग कर लेता हूँ कटर से। देखिए यहाँ से इसको अलग करना है। तो देखिए ये मेन लाइन का वायर अलग हो गया है। अब हमें इसके अंदर इन्वर्टर का वायर जोड़ना है। तो चलिए हम इन्वर्टर वायर इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों इन्वर्टर की सप्लाई अभी ऑन है इसके अंदर। अभी अगर आप नया नया काम सीख रहे हैं तो आपको चालू लाइन के अंदर काम नहीं करना है। तो देखिए ये इन्वर्टर का कनेक्शन हमारा फैन और लाइट के अंदर हो गया है। इस लाइट के अंदर हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन कंप्लीट है।